Hello all, welcome to the formulator. Now in this lecture we will solve some numericals. Okay, तो हम लोग previous year जो 2019 का जो numerical है उसको मैंने लिया है, यहाँ पे आप लोग के स्क्रीन पे शो कर रहा है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. ये 7 mark का क्वेश्चन है. ओके, टोटल 7 mark का क्वेश्चन है. 2019 में ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर AKU यूनिवर्सिटी द्वारा. तो ये ओपेम्प है. ये क्या पूछ रहा है कि फाइंड द ओवरऑल वोल्टेज गेन. ओके, ये ओवरऑल वोल्टेज गेन पूछ रहा है. इसमें क्या है, दो ओपेम्प हैं, एक ये ओपेम्प है और एक दूसरा ओपेम्प ये है. ठीक, ये दो ओपेम्प हैं जो कि आपस में दूसरे से कनेक्टेड है और हमें इनका क्या करना है, ओवरऑल वोल्टेज गेन निकालना है और भी आउटपुट भी निकालना है कि आउटपुट वोल्टेज कितना होगा हमारा. ठीक, तो चलिए पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं. पहला चीज इसमें क्या आपको जानना है, एक ये ओपम्प है, एक ये ओपम्प है. यहाँ से एक पार्ट ये है, एक ये पार्ट हुआ और एक दूसरा ये हुआ. ये दो अलग अलग पार्ट है. तो ये दोनों ओपम्प क्या है, ये है एक तरह से याद होगा आप लोगों को मैंने पढ़ाया था मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. तो ये क्या है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. क्यों, क्योंकि एक ये है, ये इसको हम लोग भी चलिए एज्यूम कर लेते हैं, इस पॉइंट को वी डैश मान लेते हैं. वी डैश एक वी, यहाँ तक ये एक स्टेज हो गया, ये एक दूसरा स्टेज है. तो ये क्या है, दो स्टेज है इसमें. तो दो स्टेज है तो क्या आ गया, ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है. मल्टी स्टेज में कितने स्टेज हैं इसमें, डबल स्टेज एम्पलीफायर. याद होगा आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बारे में बताया हूँ. मल्टी स्टेज मतलब क्या है, जिसमें एक से ज़्यादा स्टेज हो उसको मल्टी स्टेज बोलेंगे, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, डबल स्टेज, इसमें दो स्टेज हैं. तो ये कौन सा स्टेज, डबल स्टेज एम्पलीफायर है. क्या है, डबल स्टेज एम्पलीफायर है एम्पलीफायर. और दूसरी चीज़ डायरेक्टली कपल्ड. डायरेक्टली कपल्ड क्यों है, क्योंकि इसमें ना ही आर है, ना ही ट्रांसफार्मर है, ना ही कैपेसिटर है. ये क्या है, डायरेक्टली कपल्ड है. ठीक, इस चीज को भी लिख देंगे आप लोग, डायरेक्टली कपल्ड है. ठीक है, डायरेक्टली कपल्ड है. हाँ, दूसरा चीज इसमें कौन सा फीडबैक है, अगर मैं फीडबैक की बात करूँ तो इसमें कौन सा फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है. ध्यान से देखिए, फीडबैक कौन सा है, नेगेटिव फीडबैक. बोथ ओपेम्स आर नेगेटिव फीडबैक. ओपेम्स आर नेगेटिव फीडबैक. ओके, दोनों ओपेम में क्या है, नेगेटिव फीडबैक है. सो वी कैन अप्लाई वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट. ठीक, तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, फिगर में जो आगे आप समझ सकते हैं, सिंस द इनपुट्स आर प्रोवाइडेड थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल टू Since the inputs are provided through positive terminal, so both are non-inverting amplifier. इन्वर्टिंग ओपेम्प लिख सकते हैं, वो था नॉन इन्वर्टिंग ओपेम्प. ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर. क्यों, क्योंकि दोनों में जो इनपुट है क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू जा रहा है और नेगेटिव टर्मिनल क्या है, ग्राउंडेड है. ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल क्या है, ग्राउंडेड है, उसमें ये और ये दो पॉजिटिव टर्मिनल है, वहाँ पर इनपुट सप्लाई कर रहे हैं. अगर सपोज करिए कि ये ऐसे ही होता और यहाँ पे जो ये टर्मिनल जो है, इसको मैं अगर ऐसे कर देता, आप इमेजिन करिए जरा कि अगर मैं
इसको ऐसे कर देता है, मतलब कि ये पोल प्लस कर देता है और ये माइनस कर देता है, फिर ये हो जाता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये होता और ये होता है इन्वर्टिंग। ठीक है, ये क्या हो जाता है, इन्वर्टिंग हो जाता और ये हो जाता है नॉन इन्वर्टिंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस वाले कंसेप्ट में नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट का जो फॉर्मूला मैंने बताया है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट का फॉर्मूला बताया मैंने, उसको हम यूज करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्वर्टिंग के आउटपुट का जो फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इन्वर्टिंग के आउटपुट का जो फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं दूसरे स्टेज में। बट यहाँ पे जो दिया है वो क्या दिया है, ऐसे नहीं दिया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों क्या है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड में जो नॉन इन्वर्टिंग का फॉर्मूला मैंने बताया है आउटपुट वोल्टेज निकालने का या वोल्टेज गेन निकालने का, उसको क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। ओके, तो चलिए मैं इसको मिटा दूँ, और आप लोग इसको आई होप आप लोग कॉपी पर लिख लिए होंगे, इसको अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे अच्छे से आप लोग जो भी चीज़ें मैं बताया हूँ। अब हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करना शुरू करेंगे, ये कंसेप्ट थे न्यूमेरिकल से पहले, ये कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना है पहले, तब जाके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और ये 7 मार्क का क्वेश्चन है, और बहुत सिंपली 2-4 स्टेप में आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे, अगर कर दिए तो फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको। चलिए लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। ओके, हाँ यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, पहला स्टेज के लिए चलिए कल करते हैं, फर्स्ट स्टेज। ठीक है, लिखिए फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, इस टाइप का है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ठीक है, इन्वर्टिंग ओप एम्प है, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प है। तो यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प के लिए क्या होता है, वोल्टेज गेन। गेन क्या होता है नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प में, गेन का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 1 प्लस R0 डिवाइडेड बाई RI। क्या होता है, गेन होता है, गेन क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे गेन क्या हो जाएगा, वी डैश डिवाइडेड बाई वी इन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या है, वी डैश है, ये वाला वी डैश है आउटपुट वोल्टेज, तो गेन क्या हो जाएगा, वी डैश डिवाइडेड बाई वी इन, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस R0 डिवाइडेड बाई RI। और यहाँ पे R0 कितना है जी, यहाँ पे जो R0 है वो कितना है, 3.3 किलो ओम। ठीक, और आपका जो RI है वो कितना है, 1 किलो ओम। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका वोल्टेज गेन कितना आएगा, फर्स्ट स्टेज का, फर्स्ट स्टेज का वोल्टेज गेन कितना आएगा, तो चलिए हम लोग चेक करेंगे, हमारा जो पहला स्टेज का जो गेन है वो कितना आया, 4.3। ओके, द गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज इज 4.3। 4.3 कैसे आया, 1 प्लस 3.3 के ओम डिवाइडेड बाई 1 के ओम, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4.3। ओके, हाँ अगर इसको मैं dB में लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, 20 log 4.3। अगर 20 log 4.3 लिखूँगा तो मेरा क्या होगा, dB में वैल्यू आएगा, और जो dB में वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 12.6693 dB। क्या होगा, 12.6693 dB। ठीक, कैलकुलेटर में आप लोग एक बार वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, हाँ एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि मैं जो भी बोलूँ एक बार आप उसको खुद से कैलकुलेटर पे सारे वैल्यूज को पुट करके चेक कर लें। ठीक, कहीं कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, और उस कैलकुलेशन मिस्टेक के चलते आप लोगों को भी परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं, इसलिए आप एक बार खुद से भी इसको चेक कर लें। कंसेप्ट यही है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक जो है उसको आप लोग खुद से दूर कर सकते हैं। ठीक, तो एक बार आंसर को वेरीफाई कर लिया करें आप खुद से भी कैलकुलेटर यूज करके। ठीक, ताकि जो भी गलतियाँ हों वो सुधर जाए। तो चलिए नाउ वी मूव टू सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में हमारा जो गेन है वो क्या होगा, हमारा जो गेन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, हमारा वी आउटपुट डिवाइडेड बाई वी इनपुट। वी इनपुट क्या है, यहाँ पे वी डैश ही हमारा क्या है, वी इनपुट है, प्लस 1 प्लस R out डिवाइडेड बाई RI इनपुट। ठीक, तो R आउटपुट में क्या है जी, 1 प्लस 2.7 K, के मतलब 1000, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2700 ओम डिवाइडेड बाई ये क्या है, 470। RI कितना है, 470 ओम। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 1 प्लस 5.744। ओके,
और इसको जब आप 1 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 6.744। तो सेकेंड स्टेज का गेन कितना हुआ, 6.744, ठीक। और फर्स्ट स्टेज का कितना था, 4.33। फर्स्ट स्टेज का गेन कितना था, 4.3। सेकेंड स्टेज का कितना हुआ, 6.744। और अगर मैं इसको डीबी में चाहूँ तो कितना होगा, डीबी में अगर मैं कहूँ तो 20 log 6.744। और इसको मैं अगर डीबी में कन्वर्ट करूँ तो आप इसको कैलकुलेटर से अपना यूज करके बताएं वैल्यू ज़रा, ठीक है। सो एक बार मैं कैलकुलेटर से इसको चेक करता हूँ, 6.744 को अगर मैं डीबी में कन्वर्ट करके इसका वैल्यू पता करूँ तो इसका वैल्यू आएगा 16.5783, 16.5783 डीबी, ठीक है। ये क्या आएगा, डीबी में वैल्यू आएगा इसका, कितना, 16.5783 डीबी में आएगा। और इससे पहले से जो फर्स्ट स्टेज था, पहला स्टेज में कितना रहा था गेन, 12.6693 डीबी, ठीक, 12.6693 डीबी किसमें, पहले स्टेज में आ रहा था। दूसरे स्टेज में कितना आया, 16.5783 डीबी दूसरे स्टेज में आया, ठीक है। तो चलिए मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूँ और फिर मैं हम लोग इसके फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग को और भी जो वैल्यूज निकालनी है वो हमें पता चल जाए। तो आई होप कि इतना आप लोग अपने नोट्स में काफ़ी अच्छे तरीके से लिख लिए होंगे, ओके। ये था कितना, 12.6693। तो चलिए इसको मैं इरेज कर दूँ, सिंपल है, बस फॉर्मूला पुट करना है और इसको आपको आंसर निकाल लेना है, बस 2-3 स्टेप का है और आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ चलिए, ओवरऑल गेन, ओवरऑल गेन क्या होगा आपका, ओवरऑल गेन, ओवरऑल गेन, ओवरऑल गेन का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, जब मैंने मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने बताया था कि जब दो एम्पलीफायर डायरेक्टली कपल्ड होंगे तो उसमें हम क्या हो जाता है, वो A1 into A2 हो जाता है, A1 into क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो A1 कितना था हमारा, 4.3, A2 कितना था, 6.744, क्या था, 6.744। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आंसर आपका, 4.3 into 6.744, तो आपका आएगा 4.33 into 6.744, तो आपका आंसर आएगा 28.9999, ओके। ये होगा आपका आंसर किसका, इसका, इस क्वेश्चन का, कितना आएगा, 28.99 आंसर आएगा। और इसको जब मैं डीबी में कन्वर्ट करूं तो कैसे कर सकते हैं हम, 20 log 28.99, जब इसको 20 log 28.99 लिखोगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 28.992 जो है इसको 29 लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक, इनटू 20, दैट विल बी इक्वल्स टू 29.24, दैट विल बी इक्वल्स टू 29.24 डीबी। ये है आपका फाइनल आंसर, फाइनल वोल्टेज गेन है आपका कितना, 29.24 डीबी। ये क्या है, फाइनल आंसर है आपका ओवरऑल गेन, ओवरऑल गेन आपका कितना हुआ, 29.24 डीबी, ओके। ओवरऑल गेन जो आपका है वो कितना हुआ, 29.24 डीबी। और अगर रेशियो में बात करूँ तो रेशियो में कितना आएगा, 28.99, यानी कि इसको 29 बोल दो, 29। इसका क्या मतलब हुआ, जो आपका वी आउटपुट है, वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इन, वो क्या हो गया, वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इन कितना हो गया आपका, 29.24 डीबी, 29.24 डीबी क्या, वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इन, वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इन आपका कितना हो गया, 29.24 डीबी। ये होगा आपका वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इन, ठीक। आप लोग को याद होगा कि मैंने एक और फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, आप लोगों को एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, इसको आप नोट करके लिख दीजिएगा, नोट करके लिखिएगा तो आपको
याद रहेगा। ये है हमारा गेन, कितना आया था गेन हमारा 29.24 dB। तो यहाँ से आप एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि आपको अगर वी आउटपुट का है कोई, तो वी आउटपुट क्या हो जाएगा, 29 वी आउटपुट अगर कोई का है तो ये क्या डीबी में इतना आएगा, ठीक है डीबी में इतना आएगा। बट अगर हम ऐसे कर देखें तो ऐसे हमारा कितना है 28.99 रेशियो में अगर हमारा देखें तो 28.99, यानी कि इसको हम 29 भी लिख सकते हैं। तो अगर 29 मानेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वी आउटपुट 29 इंटू वी इन, यानी कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है 29 टाइम्स है किसका, इनपुट वोल्टेज का। हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज 29 टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज का कितना है 29 गुना है क्या आउटपुट वोल्टेज, 29 गुना है 29 टाइम्स, ओके 29 गुना है। तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से दूसरा फॉर्मूला यूज करके जो मैंने आप लोग को बताया था, या आप लोग को अगर याद होगा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ाते वक्त तो मैंने लिखा था कि अगर गेन इन डीबी, अगर डीबी में गेन निकालना है तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था उस वक्त कि 20 log A1 प्लस 20 log A2 हो जाता है। मतलब कि फर्स्ट स्टेज का गेन जो है, फर्स्ट स्टेज का जो गेन है वो उसको डीबी में, प्लस सेकेंड स्टेज का जो गेन है उसको डीबी में, दोनों को जब जोड़ दोगे आप तो सेकेंड स्टेज का जो गेन है डीबी में अगर दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेम आएगा। देख लो एक बार चेक करके, फिर मैं जैसे मैं चेक कर लेता हूँ इसको, ठीक है आप देख लीजिए इसको, ऊपर के जो पोर्शन है मैं उसको इरेज कर रहा हूँ ठीक, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको सिंपल तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो पहला स्टेज का गेन कितना था हमारा डीबी में, एक बार याद करिए हमारा क्या था पहला स्टेज का गेन, दैट इज इक्वल्स टू 20 log 4.3, ठीक। दूसरा स्टेज का गेन क्या था हमारा 20 log क्या था हमारा 20 log 6.744, और दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा आपका, सेम आएगा। दोनों को आप जोड़ के देखोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, सेम आएगा, दैट इज सेम कितना 29.24 dB, ठीक है। ये क्या हुआ ओवरऑल गेन, ओवरऑल गेन कितना आया 29.24 dB। तो इससे आपको क्या पता चला कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, ये क्या है दोनों नॉन इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग है तो हमने क्या किया, दोनों का नॉन इन्वर्टिंग का फॉर्मूला पुट किया और हमने इसका आंसर पता कर दिया। अगर एक इन्वर्टिंग होता दूसरा नॉन इन्वर्टिंग होता, अगर सपोज करो कि पहला क्या होता इन्वर्टिंग होता, पहला हमारा ये जो है पहला जो है पहला स्टेज, क्वेश्चन को एक बार देखिए, पहला स्टेज है ये मान लो कि नॉन इन्वर्टिंग है ठीक, तो पहले में गेन क्या हो जाएगा हमारा, गेन जो वन है या ए वन जिसको हम लिख सकते हैं, ए वन क्या हो जाएगा हमारा 1 + R0 / RI, ठीक। और सपोज करो ये दूसरा जो है ये वाला एम्पलीफायर, ये हमारा क्या होता इन्वर्टिंग होता, तो हमारा ए टू क्या हो जाता -R0 / R output / RI, ठीक ये हो जाता। और फिर हमारा जो ओवरऑल गेन होता है, ओवरऑल गेन, तो ओवरऑल गेन हमारा क्या हो जाता, ओवरऑल गेन जो होता हमारा वो A1 * A2 हो जाता। और जब डीबी निकालते तो डीबी में हम क्या लिख सकते, 20 log A1 * A2 लिख सकते थे, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को आप लोग ध्यान देंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बट इसी न्यूमेरिकल को आपको डीबी वाले यूनिट में आप लोगों को घुमा सकता है और उससे आपको थोड़ा बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको क्या पता चला कि हमारा जो गेन है ओवरऑल गेन है वो कितना है 29.24 dB, और अगर रेशियो में बात करें तो कितना है 29, ठीक। तो ये है आपका आंसर, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2019 का 7 mark का क्वेश्चन, ठीक। सो आई होप कि आप लोग को मैंने जितना पढ़ाया वो सारी चीज़ें इस क्वेश्चन की समझ में आ गई होंगी, और फिर हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बट दैट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो थैंक यू।